हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, हमारे पास एक लैपटॉप है और इसमें प्रॉब्लम आ रही है, नो बूट डिवाइस फाउंड, प्रेस एनी की टू रूबूट द मशीन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हैं। इनकेस हमारे पास डेल का पीसी है तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको अपने पीसी को शट डाउन कर देना है। तो हम पावर बटन को दबा कर रखेंगे जिससे कि हमारा लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से इसका पावर बटन को दबाना है और इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको F2 की को बार बार प्रेस करना है। आप F2 की को प्रेस करेंगे तो यह बायोस सेटिंग में चला जाएगा। बायोस सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में दिख रहा होगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन, आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन पर जाना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके चेक करना है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट हो रही है या नहीं। इन केस हमारे पीसी में आप देख सकते हैं 240 GB की जो SSD हार्ड ड्राइव लगी हुई है वह यहाँ पर प्रॉपर डिटेक्ट हो रही है। इसका मतलब हमारी हार्ड डिस्क जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो सेटिंग्स है उसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो अब हम सेटिंग को ठीक करेंगे। तो इस तरह से आपको भी चेक कर लेना है। हमारे पास डेल का लैपटॉप था इसलिए हमने F2 की को प्रेस किया, जो कि F2 की डेल के लैपटॉप में बायोस सेटिंग में जाने के लिए होता है। उसके बाद आप ड्रॉप डाउन मेनू में से बूट सीक्वेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप बूट लिस्ट ऑप्शन में जाएंगे और लेजेसी से यहाँ पर UEFI आपको कर देना है। UEFI करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। देन आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां से एग्ज़िट नाउ पर क्लिक कर देना है। आप जैसे एग्ज़िट पर क्लिक करेंगे आपका पीसी रिबूट होगा और रिबूट होने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है वह सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।